नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वृद्धा आश्रम में मनाया गया सांसद सुब्रत पाठक का जन्मदिवस। भाजीमो की ओर से वृद्धा आश्रम में पहुंचकर कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक का जन्मदिवस मनाया गया। वृद्धा आश्रम में उपस्थित सभी बुजुर्गों को फल व मिष्ठान और केक वितरित किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह कार्यक्रम शुक्रवार को दोपहर को मनाया गया। सांसद के जन्मदिवस पर जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने कहा कि जनता जनार्दन 2024 में एक बार फिर सांसद सुब्रत पाठक को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। रवि तिवारी की रिपोर्ट। आज कन्नौज लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी, उनका जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते पार्टी के मैं और हमारे सभी साथीगण विशाल जी, भानु जी, ऋतिक जी वृद्धा आश्रम में आए और यहाँ पर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और हालचाल लिए उनके, और उनके जलपान और ये फल की व्यवस्था की और उन लोगों की समस्याएं पूछी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम लोग फिर एक बार बाबा लोगों से आग्रह किया कि 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय लोकप्रिय सांसद जी को आशीर्वाद दें। इसी उपलक्ष्य में आना हुआ। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।